बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ सादिया बर्ड फ्रॉम फंटेस्टिक फॉरेक्स। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि जो मार्केट में ब्रेकआउट होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और या फिर वो कितने वीक होते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो उसकी वजह क्या है, और अगर ब्रेकआउट वीक है तो उसकी क्या वजह है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोई ब्रेकआउट मार्केट में अगर हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग है तो उसके साथ एंट्री लेनी है तो उसकी क्या रीज़न है, और अगर वीक है तो भी उसकी क्या रीज़न है। पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको फौरन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ब्रोकर के साथ रियल ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड करेंगे जहां आप फ्री सिग्नल्स और हर तरह की अपडेट रिसीव करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो उसके लिए दो पॉइंट्स को माइंड में रखते हैं। एक तो कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि 69 डेज़ का कंसोलिडेशन है, और इसके बाद एक ब्रेकआउट है। और सेकंड थिंग, जो ब्रेकआउट कैंडल है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसने कितना अच्छा ब्रेकआउट किया है जिसकी वजह से प्राइस बहुत अच्छे से राइज किया है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का राइज हमें यहाँ से मिला है। और ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैंडल है वो कितनी वीक है, मतलब कि इस कैंडल पर कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया है। जो रेजिस्टेंस है उस पर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो इसको हम वीक ब्रेकआउट कहेंगे। जबकि इसका भी कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, 92 डेज़ का है, बट ये कैंडल बहुत वीक है, इस पर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि कोई अगर ब्रेकआउट हुआ है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।